हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है ऋषभ भविष्यवाणी, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका एक्शन आपके लिए। तो चलिए, हाँ, देखती हूँ कि आज आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करें, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, तो उनके थॉट्स, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको लेकर, एक्शन को लेकर, डिसीजन को लेकर। तो चलिए, यहाँ देखती हूँ रेत की भविष्यवाणी से, और यहाँ से एक कार्ड भी निकालना चाहूंगी दिया, ठीक है। रेत की भविष्यवाणी से करती हूँ, बट यहाँ से भी एक कार्ड निकालती हूँ, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी करेंट एनर्जी क्या कुछ है इस वक्त। एंजल्स गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी इस वक्त क्या है। रियूनियन चाह रहे, द लवर्स की एनर्जी आ चुकी है। देखिए, इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने ऑप्शन का बात किया, ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन टू ऑफ पेंटिकल, जहां ये प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन है इनके लाइफ में, हो सकती है इनकी फैमिली हो, लेकिन अभी भी देख रहे हो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं यहां रखती हूँ। देखिए, ये पर्सन हो सकता है पहले से मैरिड हो, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जहां ये अभी कंफ्यूज जगल कर रहे हैं, इनको जहां भी है, जैसे भी है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, या फिर हो सकता है ये पहले से टॉक्सिक रिलेशनशिप में, जहां वो जगल कर रहे हैं और प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं, और इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट ये जगल कर रहे हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं ये पर्सन द लवर्स की एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं और रियूनियन ये चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए खास हो सकता है, 10 की एनर्जी आई है, 2 और ज्यादा 10 की एनर्जी आई है डियर, ठीक है, 10 और 10 की एनर्जी आई है। तो ये रीयूनियन चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कार्ड निकाला आपके सामने डियर, देखा आपने, ठीक है। अब बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा है डियर, देख लो द लवर्स की एनर्जी है, रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन यहाँ द लवर्स के ये भी कह रहा है कि हायर सेल्फ से कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। आप लोग, हो सकता है पिछले जन्मों का आप दोनों का रिश्ता हो, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन जर्नी में हो सकते हो, बहुत ज्यादा ये पर्सन इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं। तो बहुत जल्द रियूनियन होने वाली है डियर, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांग, अगर देखा जाए तो यहाँ 10 10 10 की नंबर आई है, और यहाँ 2 और देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 और 2 10, लेकिन 10 लेके भी चल सकते हो, 2 लेकर, 4 लेकर, 6 लेकर भी आप चल सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कार्ड आप लोग के लिए निकाला है, वो फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर इनके ऊपर बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो चलिए, यहाँ पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए डिटेल से कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। एंजल्स गाइड करेंगे, क्या कुछ मजबूरियां हैं। चलिए चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो ओम चैंटिंग से पीस और शांति, स्वास्थ्य से सुख शांति समृद्धि, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे रेत की भविष्यवाणी से मैं देखती हूँ डिटेल्स कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और एक्शन क्या। एक्शन तो आपने देखा है, रीयूनियन चाह रहे हैं, 6 4 5 6 10 4 2, ये नंबर्स आपके लिए खास हो सकते हैं डियर, ठीक है। जस्ट गाइड कर, क्या कुछ कहना चाहते हैं। करेंट एनर्जी में तो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। देखिए, ये हो सकता है मैरिड, जहां उनकी फैमिली अच्छी ना चल रही हो, झगड़े फाइटिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही हो, या फिर हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, जहां ये अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो रहा है डियर। तो मैं आगे डिटेल्स यहां से निकालती हूँ, ठीक है। देखिए डियर, ये सबके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, जो सोलमेट जर्नी में है, जो आपके क्रश हैं, लवर है, हस्बैंड वाइफ है, सबके लिए है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ आप हो तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इनको गलतियों का एहसास हो रहा है डियर, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, इन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, तो ये पर्सन को अब पछतावा हो रहा है डियर, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो। क्रश हो तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि ये पास्ट आपके लवर हैं, क्रश है, जो भी हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, जो भी हो सकते हैं सोलमेट हैं, यहाँ पे आपकी तरफ ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, मतलब इस रिश्ते पे वो काम करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रांग ये डिसीजन लेना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं।
ये बहुत ज्यादा इस वक्त देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज्यादा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत लव, बहुत डीप गहराई तक ये लव को फील कर रहे हैं और आपको फील कर रहे हैं। हो सकता है ये कि कोई आपको छुपके से आप पर नजर रख रहा हो, छुपके से आपको मतलब प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे लेकिन नजर आप पर है। देखिए हो सकता है ये पास्ट से हूं, अब ये जस्टिस देना चाहते हैं, यहां मुझे जजमेंट की भी एनर्जी दिख रही है क्योंकि रियूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करें, आपको प्यार का ऑफर करें और इस रिश्ते पे ये काम करें। ये कोई भी हो सकता है डियर, पास्ट से हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, लवर हो, या फिर मुझे कुछ के लिए न्यू भी दिख रहा है डियर। यहाँ पे कुछ न्यू आपके आप पर कोई नजर रख रहे हैं जो आपको प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, कोई न्यू मुझे दिख रहा है। या फिर हो सकता है ये भी है कि काफी समय से इनसे बात नहीं हुई है, बहुत घबरा रहे थे आपसे, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी मजबूरियां थी और इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ये चाहते हैं कि थोड़ा आप स्मार्ट हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। अगर ये कुछ आपसे बोले तो उनको आप मोटिवेट करो। दरअसल बात बीच में ऐसी ही हो गई, इन्होंने पास्ट में आपसे इसलिए ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां, बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बहुत ज्यादा प्रेशर था। शायद उस वक्त आपसे कुछ कहना सही नहीं था और इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया। ठीक है, देखिए इस वक्त इनको लग रहा है कि इन दूरियों को खत्म करना, काफी दूरियां बढ़ चुकी है, अब दूरियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है पर्सन। ठीक है, इस दूरियों को अब खत्म करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए इनको अब एहसास हुआ है कि उन्होंने तो गलती की है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये अभी भी सोच रहे हैं एक मौका आपसे कि आप ही नई शुरुआत कर दो, लेकिन ये थक हार चुके हैं और गलतियों से इन्होंने काफी कुछ सीखा है। और मेरे व्यूवर्स, मैं देख रही हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा है पास्ट से, अब तक आपने बहुत ऐसे ऐसे फेस किए हैं प्रॉब्लम, बहुत सिचुएशन आपकी लाइफ में भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम को देखा है, परेशानियों को देखा है, दुख को देखा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके मन में, दिल और दिमाग में और आप अपने लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, बैलेंस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अब अपने गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है कि आपको क्या करना चाहिए, अब वो आपसे शेयर करना चाहते हैं कुछ बात। ठीक है, वो दिल से चाहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ ताकि आप उनको समझ सको। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने गलतियों से काफी कुछ सीखा, जैसे आपने अपने गलतियों से काफी कुछ सीखा है। देखिए यू टर्न आ रहे हैं, देख रहे हो आप यू टर्न, ये पर्सन आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, यहाँ ए और वी, ए की एनर्जी बहुत है, आर की एनर्जी है, वी की एनर्जी है, ए बहुत दिख रहा है स्ट्रांग, एम जिसके लेटर्स हैं, सॉरी डियर, जिसके लेटर्स हैं ए वी ए एम आर पी, ये मुझे यहाँ लेटर्स दिख रहे हैं डियर। ठीक है, लेकिन देख रहे यू, यू भी दिख रहे हैं, मतलब कि यू टर्न ये ले रहे हैं। ठीक है, आपके तरफ एक मौका चाहते हैं आपसे बात करने का, आपको समझाने का। ठीक है, तो दूरियों को यहाँ खत्म करने को सोचें, बहुत ज्यादा ये आपके लिए मतलब बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। देखिए डियर, मुझे यहाँ ऐसा भी क्यों लग रहा है कि कोई नया है, कोई क्रश है जो आप पर छुपके से नजर रख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, कोई छुपके से आप पर नजर रख रहा है, या फिर आप जानते हो, या फिर आपको ऐसा एहसास है कि कोई आपको पसंद भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, जहां मैं देख पा रही हूँ कि आप उस मोड़ पे जा रहे हो जहां आप एक डिसीजन लो। ठीक है, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ और आपके पर्सन भी डिसीजन लेने के मूड में है, जो होगा सो देखा जाएगा, यस तो यस, नो तो नो, मतलब ये डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं। देखिए इनके अंदर घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, लेकिन आपको देखिए डियर, आपको चाहे थर्ड पार्टी हो, कुछ ऐसी सच्चाई से आप रूबरू हो रहे हो, या फिर अपने लाइफ से, अपने गोल पर्पज से, आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आए वो क्यों आए, कुछ सच्चाई थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड, कुछ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में सच्चाई आ रही है, या फिर सच्चाई आ चुकी है, या फिर सच्चाई आप दिखने वाले हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप दोनों में जितनी डाउट थी एक दूसरे पर, जितनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, झगड़े और फाइटिंग हुआ करते थे, ये होते थे डाउट, डाउट की एनर्जी, विश्वास की कमी, जो भी आप दोनों के रिश्ते में प्यार की कमी थी, उस डाउट को ये क्लियर करना चाहते हैं और सही डिसीजन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप भी डिसीजन लेना चाहते हो, यस तो यस, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, या फिर
अगर ये पर्सन आपको डिसीजन सुनाते हैं तो सही है, नहीं तो आप लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ टेलीपैथी आपका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, डिसीजन आप लेना चाहते हो और डिसीजन लेते हुए भी अब दिखाई आप दे रहे हो कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने अंतरात्मा से जुड़ रहे हो, हाई पावर से जुड़ रहे हो, अपने आप की पहचान कर रहे हो। और देखिए यही चीज बहुत बड़ी बात है, जहां आप अपने आप से जुड़ गए हो, अपनी पावर अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ गए हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन अब ऑफर करने की ताक में है और बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, शायद उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ फाइट किए, झगड़े किए, अशब्द बोले, आपको रुलाया, आपको तरपाया, अब ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलती की है और गलतियों को सुधारना है, मजबूरी क्या थी पास्ट में वो आपसे शेयर करना है। बेपनाह प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हायर सेल्फ की एनर्जी देख पा रही हूँ, आप दोनों डिवाइनली गाइडेड हो, तो ये अनकंडीशनल लवर है, बेपनाह प्यार करते हैं आपसे और ये हर वक्त एनी टाइम आपको भुला नहीं पा रहे डियर। एक ऐसा समय नहीं जा रहा कि आप उनके दिमाग में नहीं हो, एनी टाइम काम हो, अगर ये ट्रैवल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली है या लैपटॉप पे है, कंप्यूटर पे है, या अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो, एक सेकंड के लिए नहीं जा रहे हो। जैसे उनके दिमाग में जैसे लग रहा कुछ ऐसी बातें हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होगी, जब तक उनको शांति पीस नहीं मिलेगी, उनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपका पैम्पर याद आ रहा है, आपका सपोर्ट याद आ रहा है और बहुत सारा प्यार याद आ रहा है, हर जगह आप याद आ रहे हो, ऐसा एक कोना नहीं है कि आप उन कोना में, समझ गए, हर जगह हर कोने कोने में आप दिख रहे हो, एक बारीकी से आप दिख रहे हो, दिल की गहराई से आप दिख रहे हो, बहुत प्यार करना चाहते हैं। और देखिए इनके लाइफ में अभी भी ऑप्शन है डियर, आपने कार्ड देखा होगा, यहाँ ऑप्शन की भी कार्ड आई थी, देखिए इनके पास ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑप्शन के पीछे नहीं जा रहे। इस वक्त देख रहे हो आप फोर ऑफ फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि मैं क्या करूं, गिल्ट में है, पछतावे में है कि हो सकता है पास्ट में इनके लाइफ में ऑप्शन भी रहे हों और उसके वजह से आपको इन्होंने छोड़ा। अब ये पर्सन देखिए गिल्ट में कितने हैं कि मैंने क्या कर दिया, सच्ची प्यार को ठुकराया है। अब ये लगातार, मैंने क्या बोला, लगातार आपके बारे में ये सोच रहा है ये पर्सन, देख रहे हो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये लगातार आपके बारे में सोच रहा है, ये प्यार ऑफर करना चाहता है, अपने रिश्ते में ये सक्सेस लाना चाहता है, लेकिन गिल्ट में कि किसी ऑप्शन के वजह से आपको इन्होंने ठुकराया, कि द लवर्स की एनर्जी डिवाइनली गाइडेड हो, एक प्योर लव हो, एक मतलब मैं क्या बोलूं, इतना गहराई तक ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं, गलतियां हुई है ऑप्शन के वजह से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट है, पछतावा है कि मैंने क्या खोया है, अब और नहीं, पास्ट भी इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, अब इनको गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, स्पाइक करें और आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी आई है, हेरोफेंट की, मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, मैंने क्या बोला, ये स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, इस वक्त ये पर्सन कमिटमेंट से, मैरिज से रिलेटेड बहुत बड़ा ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लगातार मैंने बोला ना, एक समय ऐसा नहीं जा रहा ये पर्सन सोच नहीं रहे हो, बहुत प्यार, बहुत अनकंडीशनल लव, सबसे बड़ी बात हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे ये मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब हो गया, मैंने बहुत धोखा खा लिया, बहुत पेन सह लिया, अब और नहीं, अब गिल्ट पछतावा। और देखिए ये पर्सन के पास ऑप्शन थे और उसके वजह से आपको इन्होंने छोड़ा, लेकिन आज क्या है, गिल्ट की एनर्जी में स्पाइक करना, आपको याद करना और मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड ये डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत एनर्जी है, तो ये पर्सन के अंदर मैंने कार्ड भी आपको दिखा दिया डियर, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी भी यहाँ यही दिखा रही है कि हायर सेल्फ से कनेक्शन है आपका, पिछले जन्मों का रिश्ता है आप दोनों का, कुछ योजना है आप दोनों के लिए, ठीक है, कुछ योजना यूनिवर्स ने बनाया है आप दोनों के लिए, जो आप कभी हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों मिलकर भी काम कर सकते हो और मिलकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, अभी नहीं ऐसा एहसास हो चला है, ये देखिए ये बदल जरूर रहे, ऐसा नहीं है ये बदल जरूर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस भी हाई है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है,
और ये पर्सन देखिए, मुझे लग बहुत लोग 6 मंथ से भी आप लोग से काफी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी रहा हो, मुझे ऐसी भी एनर्जी है, लेकिन बहुत जो कंफ्यूजन था आप दोनों के रिश्ते में, उसको डाउट था, उसको अब क्लियर करना चाहते ये पर्सन, ठीक है। ठीक है, ये पर्सन को गिल्ट इस बात का है कि इन्होंने जो पास्ट में किया, मतलब आपका दिल दुखाया, किसी और के लिए इन्होंने छोड़ा है, थर्ड पार्टी इशू में तो आपको लाया ये पर्सन ने, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन चुना इन्होंने, तो कहीं ना कि इस ऑप्शन ने इनको दिल को तोड़ा है, निचोड़ा है, पूरी तरह बर्बाद किया है ना। अब ये पर्सन अगर ये मैरिड भी है, ठीक है, हो सकता है उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, वहां फाइटिंग चल रही हो, लीगल इश्यू चल रही हो, और वहां से निकलना चाहते हैं, हो सकता है वो रिश्ता टॉक्सिक हो चुका हो, ये भी हो सकता है, लेकिन द हायरोफेंट की एनर्जी आई है, ये कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको ऐसा बार बार लगता है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे धोखा देता है, तो डियर मैंने क्या बोला, आप लोग कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड, जो ये लिखा था और ये होना था, और आपका मैनिफेस्टेशन, आपका पावर, आपका स्ट्रेंथ, आपकी जो अंदर की जो पावर थी वो जागी है, हो सकता है आपकी कुंडली अवेकनिंग हुई या फिर कुंडली बैलेंस में आ रहा है 7 चक्र का, ओके, हो सकता है यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे खुद को आप हील करने की लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अपने पर्सन पर भी नजर है, लेकिन आपको ग्रोथ पर भी फोकस है, ऐसा नहीं है, आप ग्रोथ पर भी फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है बार बार कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, कभी कभी गुस्से आवेश में ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी तो सोचते हो कि कहीं ना कहीं ये तो मेरा कनेक्शन खास है, मैं ऐसा क्यों फील करता हूं, मैं क्यों करती हूं, ठीक है। प्यार आज भी है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, आप भी खुद को हील कर रहे हो, ये बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं और ये बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत जल्द ये आपकी तरफ बढ़े। देखिए, किसी के पार्टनर गुस्से में आकर कभी कभी मुझे लग रहा है कि आपसे बात ना होने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी होता है, क्योंकि गिल्ट की भी एनर्जी है, लेकिन कभी कभी स्मोकिंग भी किसी के पर्सन करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डियर, कुछ तो है आप में, ये यू टर्न इसलिए रहे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब लाइफ में आगे बढ़ चुके हो या बढ़ रहे हो, आपने डिसीजन लिया है, कुछ सच्चाई देखा या फिर सच्चाई आने वाली है डियर, ठीक है, कुछ ना कुछ सच्चाई आ रही है या फिर आप सच्चाई से जुड़े हो, ठीक है। अब ये पर्सन यू टर्न क्यों ले रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत आप में पावर स्ट्रेंथ आया है, गुड, वेरी गुड, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्या करते हो आप, फाइट, देखो वो मैं यहां ये भी देख रही हूं कि वो बात करते हैं और फाइटिंग शुरू हो जाती है, यहां पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है, कंट्रोल करना है। देखिए, आपके दिल में उनके लिए जगह है, इनके मन में ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ना कि इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपका दिल दुखाया, बहुत आपका आपको पेन दिया है। देखिए, पर्सन 100 बार 1000 बार सोचते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, रियूनियन करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, कहीं आप उनको चोट तो नहीं पहुंचा दोगे, कहीं फिर से उनको रुला तो नहीं दोगे, क्योंकि देखिए ये पर्सन रोते नहीं है, ठीक है, ये रोते नहीं आंसू से, ये घुटन इनको होती है, ये घुटते हैं, ये घुटन से रोते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी मेरे व्यूअर्स, आप आंसुओं से रोते हो, फर्क यही है, ये बातें छुपाते हैं और आप अपनी इमोशंस को शेयर करते हो, ठीक है ना, लेकिन ये घुट घुट कर रहते हैं डियर, ठीक है। उन्हें प्यार बहुत है आपसे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपकी कदर कर रहे हैं वो, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो ये इनको भी पता है, लेकिन थोड़ा सा चाहते हैं, जो देखिए इनको भी कुछ लोग है जो मैनिपुलेट करता है, ये चाहते हैं थोड़ा आप और स्मार्ट हो जाए, जबकि ऐसा नहीं कि आपने बुरे वक्त पर काम दिया है, ये भी सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको मैच्योर होना भी जरूरी है, कुछ है जो दिल में बातें जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा फेस करने से कतरा रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो डियर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, अब आप उनकी विश की तरह हो, इस वक्त ये पर्सन डीप फीलिंग के साथ आपकी तरफ आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब इनके दिल से जो भी बातें हैं, जो छुपाए थे, अब वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे लेटर्स जो मिला है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आर मुझे दिख रहा है, ए की एनर्जी है, वी की एनर्जी है, यू की एनर्जी है, पी की एनर्जी है, एस की एनर्जी है, ठीक है, वाई की एनर्जी, मतलब वाई लेटर्स की एनर्जी है, एस भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ओ से भी किसी का हो सकता है डियर, ठीक है।
देखिए सारे साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है डियर, ठीक है, सारे साइन है, ठीक है, सारे साइन यहाँ पे है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ कि सारे साइन यहाँ पे है, ठीक है। लेटर्स मुझे इतना ही दिख रहे हैं डियर। एज मैं बता देती हूँ, मेरे व्यूवर्स, मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी जो है आपकी हो सकती है 23 से, मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी 23 से 49 59, मेरे व्यूअर्स आपकी हो सकती है, इस बीच में आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, 23 से 30 के बीच तक, 40 30 के बीच और 50 के बीच, 40 से 50 के बीच आपको पता होगा, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और आपके पार्टनर की तो मैं यहां देख रही हूं, देखिए मुझे यहां जजमेंट की एनर्जी आ रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी देख रहे हो यहां पे, ये जजमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एज में, पहले तो आपका मैंने 23 से आपका ठीक है, 59 कह रही हूं, 49 50 के आसपास तक आप लोग का हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन की हो सकती है 24 हो सकता है, 30 हो सकता है, 30+ 40+ और किसी के लिए 50+ 60 60 भी हो सकते हैं डियर, ठीक है। देखिए कुछ भी हो सकता है, जो यहां मुझे दिख रहा है इस तरह, तो मैं वही आपसे बोल रही हूं, ओके। आपको बेहद पसंद कर रहे हैं कहना, वो मतलब उनको नींद नहीं आ रही है, मुझे सबसे बड़ी बात एनर्जी लिख रही है, मुझे यहां किसी का बर्थडे 8 हो सकता है, बर्थडे डियर 8 8 11 11 11, किसी की मैरिज एनिवर्सरी या आपका बर्थडे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज किए हो या टेम्पल में मैरिज किए हो, ये 11 11 की एनर्जी भी मुझे यहां दिख रही है, ठीक है, 11 11 11 11 की एनर्जी मुझे यहां दिख रही है। डेट आपका बर्थडे हो सकता है 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 30 हो सकता है, 28 हो सकता है, आपके आपके पर्सन का हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ का बात कर रही हूँ डियर, ठीक है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी का हो सकता है, या फिर आप दोनों उस दिन मिले थे वो भी हो सकता है, ठीक है, मुझे यहां दिख रहे हैं 8 6 4 1 30 28 26 12 26 27 भी दिख रहे हैं। ये जो नंबर्स है ना, ये आप लोगों के लिए बर्थडे हो सकता है उनका हो सकता है, या खास नंबर्स हो सकता है जिस दिन आप मिले हो, या फिर मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकता है, कुछ खास नंबर्स है, ये बर्थडे मैंने बोला लेकिन इंट्यूशन ये भी बोल रहा है कि एनिवर्सरी भी हो सकती है, खास डेट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे, बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, आपने देखा होगा, कार्ड भी देखा होगा आपने, देखिए द लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, लेकिन ये अपने लाइफ में बहुत प्रेशर, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, जहां दो जगल कर रहे हैं, अभी भी वो जगल कर रहे हैं, जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रेशर, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपसे रीयूनियन चाहते हैं, बहुत खास कनेक्शन आपसे ये महसूस कर रहे हैं, और टू ऑफ पेंटिकल्स जगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ परिवार भी बनाना चाहते हैं, यहां भी कार्ड देखा है कि कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, ये भी आपने देखा है, द हेरोफेंट की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, स्पाइप बहुत करें, प्यार ऑफर करना चाह रहे हैं, गिल्ट में है कि पास्ट में कहीं ना कहीं ऑप्शन के लिए आपको छोड़ा है, पछतावे की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं पैशनेट फील बहुत कर रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बस ये चाहते हैं कि रीयूनियन हो और आपको गले लगाए प्यार करें, और यहाँ पे अटैचमेंट, अट्रैक्शन और बहुत सारा लव आपके लिए फील कर रहे हैं, जो भी पास्ट में हुआ है इस वक्त वो गिल्ट में है, अगर थर्ड पार्टी इशू में डाला है, ऑप्शन की वजह से आपको उन्होंने छोड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात, एक जो बोझ उनके दिल और दिमाग पे, ये शेयर करने वाले हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आ रही है डियर, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, और देखिए जितना रेजोनेट करे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, और जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, लेकिन हमेशा खुद पर काम कीजिए, सबसे बड़ी बात सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, और यूनिवर्स इन जस्ट गॉड सबको ग्रेटिट्यूड शो करें, अपने अंदर हाई पावर
हाई पावर एनर्जी से जुड़ने के लिए, ठीक है। और हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है, जो आपके लिए करता है या ना करता हो, सबके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। हम सबका सबका मंगलमय हो, बस इतना जरूर बोलें, क्योंकि अंतर से अंतर आत्मा से हम स्वच्छ होंगे तो ही हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। अंतर आत्मा से अपने बॉडी माइंड सोल को बिल्कुल हील करेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सफर कठिन जरूर होता है, लेकिन होता है सक्सेसफुली, ओके। तो चलिए बस लाइफ में आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, ईश्वर करे आपकी हम सब की लाइफ में खुशियां आए। और पहले सबसे बड़ी बात, हम सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ ही जीवन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है बाबू। हम जब शरीर स्वस्थ रहता है तो माइंड सोल बॉडी कुछ एक्शन लेने को कहता है, ठीक है ना। जब परेशान और बीमारी आती है तो कोई भी आपको नहीं पूछता है, ठीक है, सिर्फ भगवान यूनिवर्स एंजल्स गॉड ही हमारी हेल्प करते हैं और हम सबको तैयार करते हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए। तो आप भी एक दूसरे को मदद करें और अर्थ मदर से जुड़े, यूनिवर्स से जुड़े, और लोगों को भी एक एंजल्स की तरह सबको सपोर्ट करें, मदद करें और डोनेट जरूर करें गरीबों में, जिसको आपको इच्छा करता है अच्छे कर्मा के लिए, अच्छी चीज के लिए, ये आपके लिए बोला जाता है, ठीक है। आपके अच्छे कर्म जुड़ते हैं, जिनको परेशानियां हैं उनको भी थोड़ा, चाहे डॉग हो, फिश हो, रोड पे गरीब लोग हो, किसी को भी दिली इच्छा है तो आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि यूनिवर्स एंजल्स आप पर और मेहरबान हो, आपके कर्मा रिलीज हो, ब्लॉकेज हील हो, ओके। चलिए, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर दबाएंगे डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।